कहीं भी जाने से पहले इन 5 दस्तावेजों का पास होना है बेहद ज़रूरी। बिना इन डॉक्यूमेंट्स के हो सकती है कई दिक्कतें। आज के समय में विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन और उसका लाभ लेने के लिए कई दस्तावेजों का होना आवश्यक है। आज नौकरी, बैंकिंग से लेकर बच्चों के एडमिशन तक में कई ऐसे ज़रूरी दस्तावेज हैं जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। इनके न होने पर आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप अक्सर बाहर का दौरा करते हैं तो कुछ ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने पास रखने ही चाहिए। ऐसा इसलिए कि कहीं आपको पुलिस ने रोक लिया या फिर कोई दुर्घटना होती है तो डॉक्यूमेंट्स आपके पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास पहचान पत्र रहना आपकी भारतीय नागरिकता को भी दर्शाता है। हम इस बात पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि अक्सर देखा गया है कि कहीं भी जाने से पहले आप कपड़े, एक्सेसरीज तो लेना नहीं भूलते, लेकिन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अक्सर भूल जाया करते हैं। इसलिए घर से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ ये 5 ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अवश्य लेकर चले, नहीं तो इसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। सबसे पहला तो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपकी पहचान का प्रमाण है। आजकल आधार हर सरकारी या गैर सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य है। सरकार भी अगर देश में कोई योजना शुरू करती है तो उसका लाभ लेने के लिए आपसे आधार कार्ड की शर्त रखी जाती है। आधार आपके पते और जन्मतिथि का प्रमाण होता है जिससे आप अपनी पहचान दिखाते हैं। आधार कार्ड में 12 अंकीय सार्वभौमिक पहचान संख्या होती है जिसका उपयोग सरकारी डेटाबेस में व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक प्रणाली है। होटल में ठहरने से लेकर कैश निकालने तक हर जगह आपको आधार की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपको देश की सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ी चलाने की अनुमति देती है। ड्राइविंग लाइसेंस ये साबित करता है कि आप वाहन चलाने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हैं। यदि आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो आपसे सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 18 साल की उम्र सीमा तय की गई है। यदि आपको वाहन चलाना आता है तो 18 साल होने पर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है पैन कार्ड। पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। आयकर विभाग द्वारा देश के नागरिकों को पैन कार्ड जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बैंक खाता खुलवाने में, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने में, प्रॉपर्टी खरीदने में या लोन लेने जैसे कई वित्तीय कामों में इसका इस्तेमाल होता है। पैन कार्ड में 10 डिजिट का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका पैन आधार कार्ड से लिंक होना भी बहुत ज़रूरी है। चौथा है वोटर आईडी कार्ड। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकार चुनने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद देश के सभी नागरिकों के द्वारा दिए गए मतदान पर टिकी होती है। ऐसे में आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। हमारे देश में वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए भी 18 साल की उम्र सीमा तय की गई है। पांचवा है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी ज़रूरत आपको हर मोड़ पर पड़ सकती है। किसी भी नौकरी में आवेदन के लिए आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह आपकी उच्चतम शिक्षा को दर्शाता है। यह प्रमाणित करता है कि आपने किस विशेष क्षेत्र में और कौन से संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है। इसके जरिए आप सरकार के कई योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।